दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन किए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा, माता पिता और अपनी धर्म पत्नी के साथ अयोध्या जी पहुंचकर श्री रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने परिवार के साथ अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन किए। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अपने परिवार के साथ मौजूद थे। सोमवार को सुबह करीब 11:30 बजे मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ दिल्ली से अयोध्या के लिए रवाना हुए थे, जिसके बाद करीब 2 बजे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अयोध्या पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक दोनों परिवार करीब 1.25 घंटे तक राम मंदिर परिसर में ही मौजूद रहे। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रभु श्री राम के दर्शन करके उन्हें बेहद शांति प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि जो एहसास उन्हें महसूस हो रहा है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि राम मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर है और यह देश के लिए एक गर्व की बात है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाकायदा मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कुछ तस्वीरों को भी पोस्ट किया। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि माता पिता और अपनी धर्मपत्नी के साथ आज अयोध्या जी पहुंचकर श्री राम मंदिर में रामलला के दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर भगवंत मान और उनका परिवार भी साथ रहा। सबने मिलकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन किए और देश की तरक्की के साथ समस्त मानवता के कल्याण की प्रार्थना की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पहले ही इस बात की जानकारी दी थी कि वो राम मंदिर अपने परिवार के साथ ही जाएंगे। यही वजह है कि उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि कार्यक्रम में सिर्फ एक व्यक्ति के जाने की अनुमति है। यही वजह है कि वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद अपने पूरे परिवार के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए जाएंगे। प्रणय शर्मा, टोटल टीवी।